एक्सरसाइज के लिए है, मशीन है। दर्द भी होता है क्या? तो मत कीजिए, मत कीजिए, दर्द हो रहा है, नतीजे निकाल लीजिए। हमारी छोटी बहन का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जैसे आप सामने देख सकते हैं इनका फेस है ना। फिर रायपुर करवाया, फिर उसके बाद सीएमसी बेलूर में चला गया। सीएमसी बेलूर वाले बोले कि अभी कुछ खा पा रही है कि नहीं, दलिया कुछ खिचड़ी? हाँ, हल्का हल्का खा पा रही है। और हमारे सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? हे गाइस, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। और आज का ये वीडियो काफी गंभीर विषय पर होने वाला है। एक हमारे सामने एक हमारी छोटी बहन है और ये उनके पिताजी हैं। हमारी छोटी बहन का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जिनका जैसे आप सामने देख सकते हैं इनका फेस है ना। ये बचपन से, जब से इनका जन्म हुआ है तब से इनका फेस ऐसा ही है। और जैसे अभी इनके पिताजी से बात हुआ है, इनके मुंह का यहाँ जबड़े का कई बार ये ऑपरेशन भी करा चुके हैं और ऑपरेशन कराए हैं तो ये सक्सेस नहीं है, जितना मुझे जानकारी अभी इनसे प्राप्त हुआ है। तो आइए इनके पिताजी से बातें करते हैं और जानते हैं कि कब से इनका फेस ऐसा है और क्या कहना चाहते हैं हमारे दर्शक को। तो एक छोटी सी गुहार और आप सभी से एक मदद मांग रहे हैं ये, तो आइए इनके पिताजी से बातें करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? राम नरेश जी। कहाँ से हैं आप? भैया थंडौना जी। हमारी बहन का भी जैसे स्थिति दिख रहा है जी, इसके इनके बारे में बताइएगा कि कब कैसे हुआ। जन्म से ही जबड़ा बंद था, जिसको मैं एक बार अंबिकापुर करवाया, फिर रायपुर करवाया, फिर उसके बाद सीएमसी बेलूर में चला गया। सीएमसी बेलूर वाले बोले कि इसका इलाज भारत के अंदर में मुश्किल लग रहा है, तो मैं बोला आप लिख के देंगे कि भारत के अंदर में नहीं हो पाएगा, तो बताया कि नहीं एम्स हॉस्पिटल वाले लिखेंगे। तो दिल्ली में एम्स में चल रहा है इसका इलाज, एक बार हुआ है ऑपरेशन और फिर करने के लिए बोल रहे हैं, तो अब देखें वहाँ पूरा हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। जी जी। और कितनी वर्ष की अभी हमारी बहन? अभी 13.5 वर्ष की है जी। और कौन से कक्षा में है? अभी 9वीं पढ़ रही जी। और इनका खान पान कैसे होता है, क्या खाती हैं ये? बस वही हल्का हल्का खान पान हो रहा है, मतलब पहले तो केवल जूस और दूध पी रही थी, अभी ऑपरेशन हुआ है तो फिर से वही खा पी पा रही। अच्छा, तो ये अभी इनका 13 वर्ष हुआ है, तो ये कहना चाहेंगे कि 13 वर्ष से ये दूध और पानी पी के ऐसे? हाँ ऐसे जी, केवल जूस दूध पिलाया जा रहा था जी जी। हाँ जी, हल्का सा अभी यही हुआ है। और अभी कुछ खा पा रही है कि नहीं, दलिया कुछ खिचड़ी? हाँ हल्का हल्का खा पा रही है। और कुछ बोल पाती है कि नहीं? थोड़ा थोड़ा बोल पाती है जी। आइए हमारी एक छोटी बहन से भी बातें करते हैं, पूछते हैं इनका नाम। जी बहन, नाम क्या है आपका? जी, बोल पाती है? तो स्कूल में जब जाती है ये, तो नॉर्मल स्कूल में ही जाती है? सब जैसे सब कोई पढ़ाई करते हैं वैसे ही? हाँ जी। स्कूल में पढ़ाई में भी अच्छी होंगी? हाँ पढ़ाई तो चल रहा है जैसा चल रहा है, मतलब वही के दौना स्कूल में? दौना स्कूल में जी। तो आप सामने आप देख सकते हैं एक हमारी छोटी बहन है ना, और इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बचपन से जब से जन्म हुआ है इनका तब से इनका फेस ऐसा है जैसा आप देख रहे हैं ना। तो जी क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शक से, क्या आप चाहते हैं, क्या मदद लेना चाहते हैं और हमारे सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? यही बार बार ऑपरेशन हो रहा है और मैं बिल्कुल तंगा तंगा हो गया हूँ इसके पीछे, और मेरे पास पैसे भी तो बहुत खर्च हुए हैं, बहुत खर्च हो रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं वही खर्च हो रहा है। जी जी। तो जिनका इच्छा होगा वो मदद करेंगे, जी जी। नहीं होगा उसे कोई जबरदस्ती नहीं। जी जी। फोन पे चलाते हैं आप? हाँ, ऑनलाइन जैसे कोई देना चाहे आपको सही करना चाहे तो फोन पे हो जाएगा, बना लेंगे। जी जी, फोन पे भी बोल रहे हैं ना, तो यहाँ पे नंबर शो हो रहा होगा, तो प्लीज इनका इनके नंबर पे कॉल कर लीजिए और आपसे जितना भी सहयोग राशि हो पाए, जितना भी आप धन राशि इनको दे पाए, तो प्लीज आप लोग इनको दीजिए। और ये अभी बस से सफर कर रहे हैं ना? बस से सफर कर रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं बस से सफर कर रहे हैं? जहाँ भी जा रहे हैं बस से सफर हो रहा है। दिल्ली से कब आए आप? तो दिल्ली में ऑपरेशन जब हुआ तो वहाँ 3 माह तक रुके थे, अभी लौटे हैं जी। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा दोस्तों, इनका नंबर यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो प्लीज नंबर पे कॉल कर लीजिए, इनसे ढेर सारी डिटेल ले लीजिए। इसके बाद आप कहाँ जाने वाले हैं, क्या इलाज के लिए सोचे हैं? फिर वहीं बुलाए हैं, दिल्ली में फिर होगा। और कितने दिन बाद, कब होगा? इस दफे डेट देंगे जाएंगे तो। अच्छा, दिल्ली के कौन से हॉस्पिटल में? एम्स हॉस्पिटल में। तो दिल्ली में इनका अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी कुछ ही दिन बाद ये जाने वाले हैं फिर से दिल्ली, उसके बाद इनका ऑपरेशन का डेट आ जाएगा है ना। तो ये यही अपील कर रहे हैं कि प्लीज हमारी छोटी बहन ऑपरेशन सक्सेसफुल हो, ताकि ये अच्छे से बोल पाए और खाना खा सके है ना। हाँ।
जी इनका ऑपरेशन के लिए ये गुहार का मदद कर रहे हैं, तो आप जितना भी आपसे हो पाए डोनेट, आप जितना भी दे सकें तो प्लीज यहाँ पे नंबर शो हो रहा होगा, बार बार बोल रही हूँ मैं, नंबर पे फोन पे कर लीजिए या फिर कॉल पे डिटेल ले लीजिए, इससे ढेर सारी जानकारी ले लीजिए, है ना। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा दोस्तों। मैं चाहती हूँ कि मेरी छोटी बहन को आप लोग फुल सपोर्ट करें ताकि हमारी छोटी बहन का स्वास्थ्य जल्द ठीक हो सके और अच्छे से ये पढ़ाई कर सके, बोल सके, खाना खा सके और अपने जीवन में ये आगे बढ़े, है ना। तो अभी इनके पिताजी कुछ दिखा रहे हैं जी, क्या है ये? ये एक्सरसाइज के लिए है, ये मशीन है। कौन डॉक्टर जी दिए हैं? नहीं, इसको खरीदे हैं, 1000 का है। अच्छा अच्छा, कैसे लगाएंगे इनके मुंह पे? लगा मुंह पे लगा के इसको एक्सरसाइज किया जाता है जी। क्या होगा इससे? मुंह इसका खुलता है। अच्छा, ये लगा के दिखाइए थोड़ा सा। लगा के दिखाओ। अच्छा, ये आता है, ये खुद कर लेती है ये जी। तो एक हमारी बहन आप देख सकते हैं ना, इनका जबड़ा टूट गया है, क्या है ये समझ नहीं पा रही। नहीं, वो पैदासी है। अच्छा, खुलने के लिए दर्द भी होता है क्या? तो मत कीजिए, मत कीजिए, दर्द हो रहा है, रहने दीजिए, निकाल लीजिए। ठीक है, मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है आपका, जब ऑपरेशन हो जाएगा ठीक है तब आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा। आप अच्छे से बस दूध, आपसे जितना हो सकता है जो आप खा पा रही हो आप खाइए, ठीक है। दूध पीजिए, जूस पीजिए, दलिया भी, खिचड़ी भी खिला सकते हैं पानी वाला, है ना। इसको मत यूज कीजिएगा, तो दर्द होता है उससे। हाँ, तो रहने दीजिए, मत यूज कीजिएगा, ठीक है। अब ठीक हो जाएंगे जल्द ही, फिर मत स्कूल जाइएगा, ठीक। वीडियो को यहीं तक रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।